प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्टिनाइड लैंथेनाइड की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में एक्टिनाइड तत्व सहज संयोजक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक्टिनाइड लैंथेनाइड की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एक्टिनाइड में 5F कक्षकों का नाभिक से रिश्ता 4F कक्षकों की तुलना में अधिक होता है और वे स्वयं सहज संयोजक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं तथा एक्टिनाइड एलिमेंट्स में 5F, 6D, 7S तथा 7P कक्षकों में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि इतनी ऊर्जा उन्हें आसानी से रासायनिक बंध से मिल जाती है और वे सहज संयोजक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। अतः एक्टिनाइड डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनियम AC जो कि एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है लेकिन इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन एक्टिनाइड श्रेणी के साथ किया जाता है। एक्टिनियम AC +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। थोरियम TH यह +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ए इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी। इसी प्रकार से प्रोटोक्टेनियम PA +3, +4, +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। इसकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। यूरेनियम U92 यह +3 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है और इसकी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। अर्थात इन एलिमेंट्स में एक्टिनियम, थोरियम और प्रोटोक्टेनियम और यूरेनियम अपने समस्त बाह्यतम 5F, 6D और 7S इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में ये प्रयुक्त करते हैं। इसलिए ये यहाँ पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ वो प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये एलिमेंट्स जो हैं वह अपने समस्त बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 5F, 6D और 7S को बंध बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नेप्चूनियम NP ये +3 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है लेकिन +7 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक ऑक्सीकारक होती है। इसकी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। इसी प्रकार से प्लूटोनियम PU +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है लेकिन इसकी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। अमरेसियम भी +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है लेकिन इसकी और इसके बाद वाले सभी एक्टिनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। एक्टिनियम AC है वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें 5F0 विन्यास के कारण यह स्थायी अवस्था होती है, यानी कि 5F कक्षक है वो वेकेंट है। इसी प्रकार नोविलियम NO की +2 ऑक्सीकरण अवस्था 5F14 विन्यास यानी कि F कक्षक वो फुलफिल्ड है, बराबर है। अतः इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अमरेशियम की +2 और बर्केलियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होने की थी 5F7 विन्यास के कारण, परंतु ये अधिक स्थायी नहीं है। लॉरेंशियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और ये अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था की दृष्टि से एक्टिनाइड श्रेणी के प्रारंभिक तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट से अधिक मिलते हैं जबकि बाद वाले भारी एक्टिनाइड तत्व लैंथेनाइड तत्वों से काफ़ी निकटता दर्शाते हैं। ये कारण है कि दोनों प्रकार के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का वर्णन हम यहाँ अलग अलग करेंगे। प्रथम हल्के एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ,
हल्के एक्टिनाइड तत्वों में 4F कक्षकों की तुलना में 5F कक्षकों का स्थानिक विस्तार अधिक होता है, अर्थात 5F कक्षक फ्रीविंग में अधिक फैले होते हैं, जिसके कारण से 5F इलेक्ट्रॉन का परिवेक्षण प्रभाव 4F इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होता है। अर्थात इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 5F कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, अतः लैंथेनाइड तत्वों के विपरीत एक्टिनाइड तत्व अपने 5F इलेक्ट्रॉन का भी बंध बनाने में प्रयोग करते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। यही कारण है कि हल्के लैंथेनाइड 5F6B7S कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन का बंध बनाने में प्रयोग करके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं। हल्के एक्टिनाइड की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 5F कक्षक हैं वो वैकेंट होते हैं, रिक्त होते हैं। अतः एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटोक्टिनियम, यूरेनियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो +3, +4, +5 और +6 होती हैं। इनमें विन्यास जो है वो 5F0 होता है। अतः एक्टिनियम की एसी की +3, थोरियम की +4, प्रोटोक्टिनियम की +5 और यूरेनियम की +6 उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती है। नेक्स्ट, भारी एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। सारे एक्टिनाइड में जैसे जैसे 5F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वैसे वैसे नाभिक के आवेश में वृद्धि होती जाती है। अधिक नाभिक के आवेश के कारण से 5F कक्षक अंदर की ओर हैं वो दस्ते हुए चले जाते हैं, अर्थात 5F कक्षकों की ऊर्जा कम होती जाती है, जिससे 5F कक्षकों का बॉन्डिंग में भाग लेना और अधिक कठिन हो जाता है। यही कारण है कि भारी एक्टिनाइड में धीरे धीरे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो कम होता जाता है और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। जैसा कि हमने यहाँ टेबल में देखा था कि ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं हल्के एक्टिनाइड जो हैं इनमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है और ये डीप लोक एलिमेंट से समानता दर्शाते हैं, जबकि भारी एक्टिनाइड तत्व हैं इनमें न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। अतः भारी एक्टिनाइड में धीरे धीरे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता जाता है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। नेप्टूनियम, प्रोटोनियम और अमेरिसियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +5, +4 और +3 होती हैं। नेप्टूनियम की +7 ऑक्सीकरण अवस्था 5F0 विन्यास प्राप्त करने के लिए और प्लूटोनियम की +7 ऑक्सीकरण अवस्था है वो 5F0 विन्यास के निकट पहुंचने का ही सार्थक परिणाम है वो कह सकते हैं। अमरेशियम के बाद वाले भारी एक्टिनाइड तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड तत्वों की भांति स्थायी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ तब ही प्रदर्शित होती हैं जब अर्धपूर्ण हाफ फील्ड F14 या फुल फील्ड पूर्ण विन्यास F14 विन्यास प्राप्त हो। अमरेसियम तथा कुछ भारी एक्टिनाइड जैसे CF कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडेविलियम, मोविलियम +3 के अतिरिक्त +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। हालांकि अमरेसियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी नहीं होती। इसी तत्व से 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये तत्व आयनिक बंध के बजाय सहज संयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहज संयोजक बंध बनने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 5F कक्षकों का स्थानिक विस्तार अधिक होने के कारण ये कक्षक सहज संयोजक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। 5F6D7S और 7P कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण ये कक्षक आपस में संकरित होकर के सहज संयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अतः एक्टिनाइड एलिमेंट लैंथेनाइड की अपेक्षा अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम U92 के बाद में आने वाले तत्वों को पैरा यूरेनियम तत्व
या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है।